ओके, अब चूंकि हमें इसके किस रिस्पेक्ट में पढ़ना है, मध्य प्रदेश के। चलिए पहले देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में मौर्य काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं और कौन कौन से अभिलेख हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यदि देखें तो जो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, किसका? रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख, तो इसमें देखें यदि तो गुजरात में, कहाँ पे ये? गुजरात में, मध्य प्रदेश में नहीं है ना, ऐसी गलती मत करना, ये गुजरात के सौराष्ट्र में है। ओके, इसके जो इस अभिलेख को किसने लिखवाया था गुजरात में सौराष्ट्र में? चंद्रगुप्त का गवर्नर जो है यहाँ पे पूर्व गुप्त शासन करता था। ओके, चंद्रगुप्त का गवर्नर कौन? पूर्व गुप्त। देखो पूर्व गुप्त का नाम एक्चुअली हम कहाँ पढ़ेंगे? सुदर्शन झील है यहीं पे ना, सुदर्शन झील, उसका निर्माण में भी पढ़ेंगे हम। तो रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात में, उसमें चंद्रगुप्त का जो गवर्नर था पुरुगुप्त वहाँ पे शासन करता था। ओके, अब इम्पोर्टेंट है एमपी के लिए क्या है कि इस अभिलेख में, ये लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त के राज्य में सौराष्ट्र, मालवा और अवंती शामिल थे। कौन कौन से? सौराष्ट्र तो था ही, क्योंकि ये सौराष्ट्र गुजरात में ही मिला है, साथ ही कौन सा? मालवा का क्षेत्र व अवंती भी शामिल थे। तो हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? रुद्रगमन के जूनागढ़ अभिलेख से ही मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में मालवा और अवंती भी शामिल थे। ओके, जब आपने देखा होगा, ओके, इतिहास में पढ़ा भी होगा बहुत डिटेल से कि तीसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ओके, जब मगध में कौन शासन कर रहा था? बिंदुसार। तो आपने देखा होगा कि बिंदुसार के समय जो अशोक था, सम्राट अशोक कहाँ के थे? अवंती के गवर्नर या अवंती का प्रांतपाल था, अवंती का प्रांतपाल। ठीक है, 11 वर्ष तक थे, कितने? 11 वर्ष तक यहाँ के प्रांतपाल थे अशोक। उन्होंने अपनी राजधानी अशोक ने किसे बनाई थी? उज्जैनी को। ओके, मध्य प्रदेश के गुर्जरा दो स्थान हैं। यदि देखें कि मध्य प्रदेश में भी क्या अभिलेख हैं, तो मध्य प्रदेश का दो अभिलेख, एक तो कौन सा? गुर्जरा, गुर्जरा अभिलेख, ये लघु अभिलेख है। कहाँ है ये? दतिया जिला, मध्य प्रदेश। और दूसरा देखें रूपनाथ, रूपनाथ कहाँ है? सिहोरा तहसील, ओके, जबलपुर। हालांकि ये कटनी वाले एरिया में भी आता है, कटनी की बोरीबंद तहसील है वहाँ पर। ओके, तो इन दोनों से भी अशोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये जो आपका ये वाला है 326 से 184 से 184 ईसा पूर्व का है। ओके, मौर्यकालीन इतिहास पूरा 326 से 184 में, तो जबलपुर के सीहोर में ये तिथि भी हमें इसकी जानकारी मिलती है रूपनाथ वाले में। ओके, जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जो गुर्जरा वाला है, यह कैसा है? एक लघु शिलालेख है। कौन सा? लघु शिलालेख। ओके, इसमें क्या है? अशोक का वास्तविक नाम हमें प्राप्त होता है। ओके, नहीं, अदर में क्या है इसका नाम? देव नाम प्रिय दस्सी, तो देव नाम प्रिय,
प्रियदर्शी और प्लस अशोक भी मिलता है। ओके, तो ये तो हो गया कहाँ से, इसमें कहाँ से हमें जानकारी मिलती है। अगर महावंश के प्रमाण, एक और ग्रंथ कौन सा, महावंश में देखें। ओके, दीपवंश और महावंश जो जैन ग्रंथ हैं उसमें देखें तो महावंश में प्रमाण मिलता है कि जो विदिशा है, विदिशा या बेसनगर, इसी का प्राचीन नाम। ओके, मैं अशोक की भेंट एक शक वंश के व्यवसाय की पुत्री देवी से हुई। ओके, यहाँ पे शक वंश का एक व्यवसाय था, या सेठ कह सकते हैं या व्यापारी कह सकते हैं, इसकी पुत्री देवी, देवी या इसका नाम कुमार देवी भी कई जगह हमें मिलता है। ओके, जिससे अशोक ने क्या किया था, विवाह किया था। ओके, अब यदि हम और आगे देखें तो गुप्त काल में सांची का नाम कागनाद बाट था। ओके, और यहाँ हमें संघ भेद का भी मिला है, तो इस समय इसका प्राचीन नाम कह सकते हैं सांची का, ठीक है, काकनाद बाट का भी उल्लेख मिलता है इसी समय। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम के, मौर्य काल से मध्य प्रदेश रिलेटेड, वो बनते हैं मौर्यकालीन स्मारक। तो अब हम हेडिंग कौन सी दे रहे हैं, मौर्यकालीन स्मारक। सबसे ज़्यादा इधर से क्वेश्चन आते हैं। ओके, सबसे पहला यदि हम इसमें देखें तो आपको मौर्यकालीन स्मारक में सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट है सांची का स्तूप। ओके, इम्पोर्टेंट है किसके द्वारा, सम्राट अशोक ने 30वीं शताब्दी में सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। ओके, तो किसके द्वारा कराया गया, अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया, कब, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ओके, सांची के बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया, कौन सा है यहाँ पे, बौद्ध स्तूप, जो मूल रूप से यह स्तूप कैसा था, ईंटों से निर्मित था, कैसा है, ईंटों से निर्मित स्तूप है। ओके, इसकी यदि खोज देखें कि इस बौद्ध स्तूप की खोज 1818 में, ठीक है, किसने की, जनरल टेलर ने, ये भी आपके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी, कब की थी, 1818 ईस्वी में। ओके, इसको भी और डिटेल से हम लोग किस में पढ़ेंगे, मुख्य परीक्षा के तहत। ओके, और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल में। इसके बाद यदि देखें हम दूसरा, तो दूसरा कौन सा है, तुमैन का स्तूप। अब पहली चीज तो तुम्हें नहीं पता होना चाहिए कहाँ है। ओके, सांची तो पता है ना कि सांची कहाँ पे है। ओके, रायसेन। ओके, तुमैन कहाँ है, तुमैन जिला गुना, ये याद रखिएगा। ओके, ये गुना में स्थित है, लेकिन विदिशा और मथुरा को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पे प्राचीन काल में विदिशा अर्थात बेसनगर, ओके, और कैसे, मथुरा का जो व्यापारिक मार्ग था, इस मार्ग पर स्थित था। ओके, यहाँ पर मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप स्थापित किए गए हैं, तो यहाँ भी कौन सा मिला है, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। ओके,
ओके। अब यदि देखें हम लोग उज्जैन का बौद्ध महास्तूप, तीसरा कौन सा? उज्जैन का बौद्ध महास्तूप, ओके। तो ये भी किसके द्वारा निर्माण किया गया? सम्राट अशोक द्वारा। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि इनके विवाह किससे हुआ था? कुमार देवी के लिए विशाल स्तूप का निर्माण कराया था। तो ये जो स्तूप है किसके लिए करवाया था? अपनी पत्नी जो इनकी थी कुमार देवी, उनके लिए करवाया था, जिसके अवशेष वैश्य टेकरी नामक टीले के रूप में अभी भी विद्वान है। इसके जो अवशेष हैं वैश्य टेकरी, ओके, कानीपुरा इसे कहते हैं, नामक टीले के रूप में अभी भी विद्वान है। ओके, अगला स्तूप यदि देखें फोर्थ नंबर का, ओके, तो कौन सा है? कसरावद का स्तूप, या कसरावद के स्तूप, ओके। कसरावद जो कहाँ पे है? जिला खरगोन, मैं यहाँ भी एक स्थान है इतबर्डी नामक टीले के उत्खनन से हमें 11 मौर्यकालीन, ठीक है, स्तूपों की प्राप्ति हुई है। किससे? इतबर्डी नामक टीले के, उत्खनन से कितने 11 स्तूपों की प्राप्ति हुई है? 11 कौन से हैं? मौर्यकालीन, ओके। अब यदि हम लोग और देखें कोई स्तूप, तो कौन सा है? देवर कोठार का स्तूप, देवर कोठार का स्तूप, ये कहाँ पे है? आपका जिला रीवा। ये बहुत ज़्यादा ये भी एग्जाम में पूछा गया है, देवर कोठार का स्तूप, ये भी मौर्यकालीन प्रसिद्ध स्तूप है, ओके। किससे ये रिलेशन है? मौर्यकालीन ये भी है, ओके। अब यदि हम और देखें तो कौन सा? पन गुड़ारिया का स्तूप, पनुरगाड़िया कहाँ पे स्थित है? सीहोर जिला, ओके। जो यहाँ पे स्तूप का प्राप्त हुआ उसे कहते हैं दक्षिणापथ युक्त स्तूप प्राप्त हुआ है। कैसा? दक्षिणापथ, यानी इसमें दक्षिणापथ भी है, दक्षिणापथ युक्त स्तूप की प्राप्ति हुई है, ओके। चलिए, तो आई थिंक अब ये आपको पूरा याद हो जाएगा। सांची के स्तूप में एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, सांची के स्तूप में यदि देखें कि आपको इसमें किसकी अस्थियां रखी हुई, ये क्वेश्चन आता है, तो महास्थविर महामोदगलायन एवं सारिपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं, ओके। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसमें किस में? महास्थविर कौन? महामोदगलायन, महामोदगलायन एवं सारिपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं।
ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता। ओके, तो आई थिंक अब आपको पूरे याद रहेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से हमें मौर्यकालीन स्थलों की प्राप्ति हुई है। यदि देखें एक और लास्ट वन, सातवें नंबर का, तो सातवें नंबर का आप याद कर सकते हैं भरहूत का स्तूप। कौन सा? भरहूत का स्तूप, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। ये भी आपका कहाँ पे है? रीवा, सॉरी आई थिंक ये सतना में पूरा है। इसका आंसर क्या होगा? सतना। इसकी खोज यदि देखें तो कब की गई? 1873 ईस्वी में। किसने की थी? कनिंगम ने। भरहूत का स्तूप किसने खोज की? कनिंगम ने। अब यदि देखें मौर्यकालीन के हमें आहत सिक्कों की भी प्राप्ति हुई है। अगला अगर इम्पोर्टेंट है, ये स्तूप आपके कंप्लीट हो गए। मौर्यकालीन आहत सिक्के, आहत सिक्कों को, ये सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं। इन्हें इंग्लिश में पंच मार्क क्वाइन कहते हैं। आहत सिक्के, ठीक है, आहत सिक्के जो होते थे चांदी तथा तांबे से निर्मित होते थे। चांदी तथा तांबे, ठीक है। यदि इनमें देखें कि ये हमें मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मिले हैं, तो इनमें प्रमुख हैं उज्जैन, विदिशा, महेश्वर, त्रिपुरी, सांची, और एरण। इनसे हमें आहत सिक्कों की प्राप्ति हुई है। तो आई थिंक अब आपका पूरा जो है, ठीक है, मौर्य काल समाप्त होता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको मौर्य काल में इतनी जानकारी होना अति आवश्यक है। चलिए इसके बाद यदि इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? आपका शक और कुषाण। गाइस, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे।